जय भीम दोस्तों, मैं रजत मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं बहुजन साहित्य के इस विशेष कार्यक्रम किताब पर चर्चा में, जहां हम चर्चा करते हैं बहुजन लेखकों द्वारा लिखी गई किताबें और बहुजन मुद्दों पर केंद्रित किताबों पर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे महात्मा ज्योतिराव फूले जी की लिखी गई किताब गुलामगिरी के ऊपर, गुलामगिरी के भाग तीन के ऊपर। भाग तीन में हम लोग समझेंगे कि महात्मा ज्योतिराव फूले जी के विचार कच्छ भूदे भूपति क्षत्रिय द्वेज और कश्यप राजा के संबंध में क्या थे। अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आता है, अगर आप चाहते हैं कि ये काम निरंतर ऐसे ही चलता रहे बिना किसी रुकावट के, तो यहाँ स्क्रीन पर मेरे अकाउंट डिटेल आपको शो हो रहेंगे, उसके माध्यम से आप जितनी चाहें उतनी समर्थन राशि हमें दे सकते हैं और ये बहुत जरूरी है, इसलिए मैं बार बार हर वीडियो में दोहराता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हम लोगों की आर्थिक सहायता करेंगे, फाइनेंशियल एड हमें प्रोवाइड कराएंगे, जिससे कि हम लोग बिना किसी रुकावट के हम अपना काम करते रहें। अगर आप बहुजन साहित्य के चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पुराने वीडियोस भी जाकर देखिए, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और जरूरी वीडियोस हैं। सिर्फ बहुजन लिटरेचर पर ही इस चैनल पर बात होती है, तो इस चीज को गांठ बांध दीजिए और सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर कीजिए। इस किताब के पेज नंबर 22 भाग 3 पर ढूंढीराव पूछते हैं, मछली और कछुआ इन सभी बातों में तुलना करने पर कुछ अंतर दिखाई पड़ता है, लेकिन कुछ बातों से जैसे पानी में रहना, अंडे देना, उन्हें फोड़ना आदि में समानता भी दिखाई देती है। इसीलिए भागवत आदि पुराणों में लिखा हुआ है कि कच्छ कछुए से पैदा हुआ है। इसके बारे में भी सोचने पर परिणाम मत्स्य जैसा ही होगा और अपना सारा समय व्यर्थ में नष्ट होगा। इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कच्छ ने बंदरगाह पर उतरने के बाद क्या किया। ज्योतिराव जवाब देते हैं, सबसे पहले उस बंदरगाह की, जिस पहाड़ी पर मत्स्य का कबीला मुसीबत में पड़ गया था, वहां के मूल क्षेत्रवासी लोगों को भगाकर उसने अपने लोगों को मुक्त किया और वह स्वयं उस क्षेत्र का भूदेव यानी भूपति बन बैठा। ढूंढीराव, फिर जिनको कच्छ ने खदेड़ा था वे क्षत्रिय लोग किस ओर चले गए। ज्योतिराव, विदेशी ईरानी या आर्य लोगों के कबीलों को समुद्र के रास्ते आया देखकर वे लोग घबरा कर द्वे जाए चिल्लाते हुए पहाड़ियों से उस पार कश्यप नाम के क्षेत्रपति के पीछे निकल पड़े। कच्छ ने उनको इस तरह पीछे जाते हुए देखकर अपने साथ कुछ फौज लेकर उस पहाड़ी के एक किनारे से नीचे उतरा। उसने पहाड़ी को पीछे छोड़कर कश्यप के राज्य के क्षत्रियों को ईरान की मदद से कष्ट देने लगा। बाद में कश्यप ने उस पहाड़ी को कच्छ से वापस लेने के इरादे से युद्ध की तैयारी की, लेकिन कच्छ ने अपनी मृत्यु तक उस पहाड़ी को उस क्षेत्रपति के हाथ नहीं लगने दिया और अपनी युद्ध भूमि छोड़कर एक कदम भी पीछे नहीं हटा। भाग तीन में सिर्फ इतना सा ही है, भाग चार में इसके बारे में आगे हम बात करेंगे। कोई भी चीज़ मिस मत कीजिए, हर चीज के ऊपर बारीकी से नज़र रखिए, कान खोलकर सुनिए, है ना, प्रॉपर। ऐसे नहीं कि सिर्फ चल रहा है तो आपने देख लिया और हो गया, फॉर्मेलिटी मत कीजिए, फॉर्मेलिटी करने से का कोई मतलब नहीं है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। मैं रजत मौर्य मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में फिर किसी किताब के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें, पढ़ने की आदत को विकसित करें, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय जोहार।